कई बार तो ऐसा होता है आऊं तो लेबर एक यूनिट में मिलती ही नहीं, भागे तो दूसरे साथ पकड़े, खुद लग के करवाना पड़ता है, दाना भी डलवाना पड़ता है, दूध भी निकलवाना पड़ता है। काम तो करना, रिस्क तो हर चीज में है, जिंदगी में भी तो रिस्क है। ये देखो ये आता है ना, ये अनाज है। शाम तक फूल के पूरा हो जाएगा, भीग जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है इसकी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डेयरी फार्म पर आया हूँ जहाँ पे मिल्क पर्पस के लिए फार्मिंग की जा रही है। यहाँ पे बहुत सुंदर मुर्रा भैंसे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी मुर्रा भैंसे हैं। रोहतक में ये जगह पड़ती है। रोहतक जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कह लो आप पशुओं की, बफेलो की। आज इनसे जानेंगे कि कैसे चल रहा है इनका बिजनेस, कैसा ये कमा पा रहे हैं, कैसी मेहनत है इस बिजनेस में। ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश करेंगे आज आपको इस वीडियो में, बफेलो डेयरी फार्मिंग की। नमस्कार, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। आज आपके फार्म पे आए हैं जो कि रोहतक में है, और रोहतक को गढ़ माना जाता है मुर्रा भैंस का। बिल्कुल, यहाँ पे खरीद फरोख्त होती है, बहुत बड़ा बाजार चलता है, एशिया से बड़ा बाजार है रोहतक भैंसों के लिए। जी हाँ जी। आपने यहाँ पे तीन शेड बना रखे हैं और पक्के कंस्ट्रक्शन किए? पक्के कंस्ट्रक्शन है। तो जी कब शुरू किया था व्यवसाय? मैंने किया था 2021 में। 2021 से कर रहे हैं इस काम? हाँ जी जी। और कितने भैंसों शुरू किया था आपने? मैंने 10 भैंसों से शुरू किया था। 10 से। और आज कितनी है जी? आज 100 है। 100 से एक दो ऊपर ही होगी। 10 गुना? हाँ जी 10। तीन साल में 10 गुना है ना। तो जी क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले प्राइवेट जॉब करता था मैं। अच्छा, हाँ। वहाँ क्या पोस्ट थी आपकी? वहाँ तो एज ए कलेक्शन करते थे हम। जॉब छोड़ के इस व्यवसाय माना कैसा रहा? जॉब में, जॉब छोड़ के बहुत बढ़िया रहा। ये तो एक तो अपना खुद का काम है, और जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इस तरह जॉब में किया तो वही एक फिक्स सैलरी है, सैलरी से आगे जा नहीं पाते, ऊपर का बॉसेस का इतना प्रेशर होता था उस पर बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो ये घर वाले करते थे पहले, मतलब पशु तो हमारे किसान? पशु तो हम पैदा हुए तब से रखते हैं घर पे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो पशुपालन इस शुरुआत से कर रहे थे? शुरुआत से कर रहे थे। इसी लाइन में कैसे आना हुआ? और भी जैसे लाइनें हैं, और भैंस का तो काम काफी कॉम्प्लिकेटेड मान जाता है, मतलब पैसा आता है इसमें लेकिन जब नुकसान होता है तो तगड़ा ही नुकसान होता है इसमें। ये तो है, रिस्क है, रिस्क वाला है, रिस्क बहुत है। बस पहले गाय रखते थे, गाय से अपनी उनसे अटैचमेंट थी, गाय रखी। अब भी गाय है मेरे पास, 11-12-15 गाय है जी। तो उसके साथ रखते रखते फिर भैंस भी रख ली। जी जी। मैं जो काम किया तो फिर खुल के करो। ये जो प्लॉट आपके तीन है, कितने एरिया है ये? 1500 स्क्वायर फुट है जी। 1500 स्क्वायर गज? 1500 गज है। हाँ जी। तो 1500 गज एरिया आपने पहले से ले रखा था या फिर ये अभी लिया है? ये पहले से था, पहले तो एक रेंट पे लिया था, रेंट पे लेके शुरुआत की। अच्छा, ये प्लॉट पहले ले रखे थे, उसी में चलाइए। अच्छा अच्छा। और ये जो है ये क्या है जी? स्विमिंग पूल सा? ये इनके लिए, पशुओं के लिए दाना है। इसमें रोटी भी रखी है और बहुत सारी चीजें हैं, है ना? मिला भी रहे थे भैया, मिला रखा है सब कुछ। जी जी जी। इसमें जिस तरह चना है, बिनोला खल है, सरसों खल है, सभी मिक्स है इसमें जी। तो जी जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी शुरुआत में आपकी, जब आपने धंधा शुरू किया ये वाला? इन्वेस्टमेंट शुरू में कितनी? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की? हाँ जी। सिर्फ पशुओं के लिए जी, वो अपने जॉब से कमा रखा था, वही लगा दिया। सच्चरों के लिए तो बहुत ज्यादा लगता है, ये तो बाद में लग गया, तो पेरेंटल लगा हुआ है, यानी भाई इसी से बना लिया। पर अपना अपने जॉब वाला 20 लाख रुपए लगा? 20 लाख डाले थे, उससे फिर अपने जो आमदनी होती गई, पशु बढ़ाते गए अपने। तो क्या बिजनेस मॉडल है? ब्रीडिंग का है, दूध का है, या फिर सेल परचेस? हमारा ज्यादातर दूध का ही है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो दूध साइड में चलेंगे आपके। हाँ जी, वो भी बड़ा साइड है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी अच्छी भैंसे हैं, खाने पीने की कोई कमी? बिल्कुल, बहुत। 15 से लेकर 22 लीटर तक की भैंसे हैं। अच्छा, हाँ जी। पर नॉट फॉर सेल है? नॉट फॉर सेल, अपने दूध के लिए। अपने दूध के लिए, अपने दूध काम के लिए जी। तो जी क्या क्या खिलाते हो इन्हें जो इतनी तगड़ी सेहत हो रही है? इनको वही खिलाते हैं जी, ये बस जो साफ सुथरा दाना होता है, बिनोड़ा हुआ, चने चूरी हुई, गेहूं का दलिया, सरसों की खल, सोयाबीन। भूसा स्टोर कर रखा है अपने? हाँ, ये भूसा स्टोर कर रखा है यहाँ के। अच्छा, लेबर रूम है? लेबर रूम है ये जी। केयर टेकर का रूम है इनका। ये दाने का रूम हो गया? हाँ जी। ये दाने में क्या क्या है जी इसमें? मैं तो काफी सारी चीजें हैं, गुड़ भी दे रहे हो? इस तरह गुड़ भी है। हाँ। ये कैल्शियम भी है जी जी। ये चना छिलका है, चना चूरी है, बिनोड़ा खल है, ये कंसंट्रेशन फीड इकट्ठी बनवा रखी है वो है। तो जी खर्चा भी तगड़ा होता होगा दिन? हाँ, का खर्चा बिल्कुल। दिन का क्या खर्चा है? और कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ 7 लोग काम कर रहे हैं जी। 7 लोगों की सैलरी देना भी बड़ा कैड़ा काम है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत तगड़ा काम है। बहुत हो जाते हैं ये, मान के चलो 70% से ऊपर ही खर्चा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। 100 में 70% खर्चा, 30% प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हो अगर परमात्मा ठीक रखे तो। अच्छा, कोई मिस हैपनिंग हो जाए किसी पशु की तो पास से ही जाता है। तो जी इतने रिस्क वाले गेम में क्यों आ गए जब इतना था, पता था आपको ये?
क्या करे, काम तो करना है, रिस्क तो हर चीज में है, जिंदगी में भी तो रिस्क है। सही बात है जी, आज सुबह आदमी उठे ही ना, ऐसा उठे ही ना, जिंदगी भी तो रिस्क के साथ ही चलती जी जी जी। देखो ये दूसरा इनका फार्म है, दूसरा फार्म चलेंगे अंदर दिखाएंगे ये आपको, और यहाँ पे भी देखो बिल्कुल वैसा ही बना रखा है था। ये केयर टेकर का ये मेडिसिन रूम है, मेडिसिन रूम है जो मिनरल मिक्सर वगैरह रखते जी जी। और ये हमारा दाने का है, दाने का है। हाँ। तो जी दिन का क्या खर्चा है जी आपका, अगर मैं लमसम लगाऊं इतने 100 पशुओं पे, 100 पशुओं ये मान के चलो आप सीधा दिन का 52,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। 50,000 रुपए खर्चा दिन का है जी। बाप रे बाप। और जी कमाई कैसी है आपकी दिन, लेबर वगैरह कमाई है सब, डेली का दूध जाता है 70,000 से 75,000 का, दूध बेच भी लेते हो? हाँ, बेच लेते हैं 75,000 जी। तो मतलब मान लो पशु दूध देना कम कर दे या खुराक थोड़ी टूट गई, फिर तो आपके प्रॉफिट में एकदम डेड टाइम बैठ। हाँ, फर्क तो पड़ता ही, एकदम ही पड़ेगा। और है ना, दूध कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, सीधी बात है जी जी। तो अगर मैं बोलूँ जैसे 70,000 रुपये आपने बताया कि 70-75,000 रुपये, तो दिन का 20,000 रुपये कमा लेते हैं। हाँ मतलब ये ठीक ठाक रही तो अच्छा, नहीं वैसे अगर जैसे ग्राफ कैसे चलता आ रहा है आपका, जो ग्राफ है लास्ट ईयर का ग्राफ बढ़िया चल रहा है परमात्मा की दया से, अच्छा चल रहा है ग्राफ। अच्छा लास्ट ईयर प्रॉफिट की बात करें तो कितना था? लास्ट ईयर प्रॉफिट था मेरा, यानी कि ये मान के चलो आया था मेरा 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। अच्छा महीने का? महीने का तो करीबन करीबन ये हो गया आपका साल का 42-1 लाख, 42 लाख रुपये साल का। दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने वही चारा मिलाने वाला बना रखा है, और एक बार जी चला के दिखाना है इसे क्या क्या है अंदर, थोड़ा दिखाएंगे इसके। देखो इसके अंदर पूरा अनाज जो है पेट में पच जाए, इसलिए ये देखो ये अनाज है शाम तक फूल के पूरा हो जाएगा तो फिर आसानी से पच जाता है पशु। भाई जी मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि आप दिन का 20,000 अभी कमा लेते हो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 42 लाख के आसपास था। हाँ जी हाँ जी। इस चीज को देख के काफी युवा भाई हैं कि यार मैं भी जॉब छोड़ूंगा और मैं भी घर वालों के पैसे लगा के ये काम करूंगा। अब देखो प्रॉफिट तो बता दिया, अब मेहनत कितनी है आपकी इसमें ये बताओ। मेहनत बहुत ज्यादा है जी, सुबह 3 बजे उठ के आता हूँ यहाँ पे, 3 बजे उठ के यहाँ से 8-8:30 बजे जाता हूँ घर, दिन में फिर 2 बजे आता हूँ और शाम को 7:30-8 शाम को हो जाते हैं। अच्छा। हाँ यानी चलो 10-12 घंटे ड्यूटी होती है। अच्छा। और उसमें फिर लेबर के नखरे भी हैं? लेबर के नखरे हैं, लेबर कई बार भाग भी जाती है, वो अरेंज भी करनी पड़ती है। कभी खुद से भी काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है जी। कैसा रहा है? करना पड़ता है, थोड़ा बताओ ना सच्चाई, अट्रैक्टिव अमाउंट तो बता दिया। हाँ हाँ, कभी आए लेबर, कई बार तो ऐसा होता है आऊं तो लेबर एक यूनिट में मिलती ही नहीं, भागे तो दूसरे साथ पकड़े, खुद लग के करवाना पड़ता है, दाना भी डलवाना पड़ता है, दूध भी निकलवाना पड़ता है। तो कोई इजी तो इसमें जो ये नहीं भाई, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट देख के कर लो भाई, मेहनत बहुत ज्यादा है इसमें, जो कर सकता है ये काम तो वही शुरू करे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। आपकी बातें बता रही हैं कि 3 बजे उठना, शाम तक जाना घर पे, बिल्कुल ठीक है, और पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है डेयरी, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है जी जी। अगर ये 4 दिन के लिए भाग चले जाएंगे ना, इनके लेबर इनकी ऐसी कर देंगे, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं रूड वर्ड बोल रहा हूँ लेकिन सच्चाई यही है, जिन भी फार्मर का 100% सच्चाई है ये जी जी जी, एक दिन भी बाहर नहीं रह सकते। तो रिश्तेदारी तो भूले बैठे हुए एक तरीके से। अब देखो ये है बस इनका रिश्तेदारी में दिन में 2-3 घंटे जा कर जाओ, दिन में चले जाओ है ना। और ये इनका बुल है, देखो ये हमारा बुल है, और ये मतलब आप AI से नहीं अपना उससे कर हाँ, नेचुरली कराते हैं जी जी। और पशु देखो बच्चे भी आ रहे हैं इनके, यानी बच्चों क्या करते हैं, बच्चे यहीं पलते हैं कैसे? बच्चों के लिए, इसके पालने के लिए, जिस तरह जब दूध से छूट जाते हैं ना तो इनको गांव में भेज देते हैं। अच्छा। केयर टेकर करने वाले के पास चराई पे उनको संभालने के लिए भेज देते हैं, फिर हम जी जी उनसे वापस ले आते हैं। तो जी वैसे अभी जो कंडीशन है उसे संतुष्ट हो? हाँ मैं संतुष्ट हूँ जी। खुश हो आप ना? मैं खुश हूँ जी। कहीं भी करो देखो मेहनत हर जगह है। हाँ करनी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। नौकरी में कर लो या अपने नौकरी में करोगे, दूसरे के नीचे करोगे, इसमें अपने आप करते हैं जी। इसमें जितना ज्यादा करेंगे तो खुद को अर्न करेंगे। हाँ हाँ सही बात है। तो आप युवा भाइयों को क्या सलाह दोगे, मतलब जिसका इंटरेस्ट है, देखो बचपन से पाल रहा है, जो जिसका आना चाहिए, नहीं है, जो काम कर सकता हो, मेहनत कर सकता हो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। पर दूध के मॉडल पे ही करे ब्रीडिंग और? हाँ दूध के मॉडल, ब्रीडिंग वाले ब्रीडिंग भी करते हैं जी। ब्रीडिंग के लिए फिर या तो ज्यादा पास का पिछला बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, क्यों ब्रीडिंग में तो आपको 3-4 साल के बाद पता लगेगा बढ़िया भैंस खरीदोगे, उसकी जनरेशन कैसी आएगी, वो दूध में कैसी निकलेगी, उसके बाद पता लगेगा जी जी।
और सेल परचेज वाला काम कैसा है? सेल परचेज का भी ठीक है जी, देखो हम तो करते नहीं, हम तो अपना दूध पे फोकस कर रखा है, पर आपकी डिमांड पूरी हो नहीं रही है ना, मतलब हाँ दूध पूरा कंजम्पशन हो जाते हैं, शॉर्टेज रहती है दूध की कभी कभी। और रेट क्या जाता है दूध का आपका? रेट अब की बार तो 75 जाता है जी। दोस्तों हम थोड़ा लेट हो गए, दोपहर का टाइम हो रहा है, नहीं तो आपको मिल्किंग पे दिखाते, मिल्किंग दिखाते है ना जी, और आपको दिखाते लाइव दिखाते भाई कितने दूध दिया है। अब तो किस टाइम, क्या 10:30 है, 10 बजे? हाँ ऐसे हो रहे हैं, 10:30 बजे होंगे जी। दोस्तों मेरे भाइयों, भाई साहब ने इतनी जानकारी दी, अपने डेयरी फार्म का टूर कराया, मतलब हर चीज़ से हमें रूबरू कराया, इनका प्रॉफिट जाना हमने, मेहनत कितनी है वो जाना, किसान भाइयों के लिए एक मैसेज भी दिया है उन्होंने, जो युवा भाई उनके लिए मैसेज भी दिया, करना है तो मेहनती हो, कर्मठ हो, 10 भैंसों का काम अकेले कर सकते हो तो करना, वरना ऐसा मत करना। और वीडियोस देख के अट्रैक्ट होते हैं लोग, जैसे भाई इतना कमाते हैं, भैया कमाते हैं पर मेहनत भी उतनी करते हैं, मेहनत हो तो ठीक है, नहीं तो नुकसान है, नुकसान खा लोगे जी, मेहनत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो से नॉलेज मिलेगी, वीडियो से नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।